आप देख रहे हैं RDS न्यूज लाइव, खबरें जरूरत की। दो घंटे बात हुई, ये उस वकील का स्टेटमेंट है और उसने इतनी बड़ी बात कही कि वो जज साहब डरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो बच्चियां जितनी थी वो हैं कहाँ पे, किसी को कुछ नहीं पता। क्या वो सुरक्षित स्थान पे है कि नहीं है, क्या उनको अभी भी जो है तरपाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, या ये तो नहीं कि बच्चियां ही बदल दी गई? क्योंकि ना आपने देखा ना हमने देखा किसके रिकॉर्ड में है, किसी को नहीं पता। तो हम तो चाहेंगे कि उस बच्चियों का पता चले, और जो है बिहार से बाहर अगर हैं सही सलामत तो बिहार से बाहर उनको रखने का काम किया जाए। और मैं चाहूँगा कि तुरंत तात्कालीन, नीतीश कुमार जी ईमानदार हैं तो खुद CBI को बोल करके अपना खुद से जांच कराने का काम करें, और CBI अगर ईमानदार है तो तुरंत इसमें कार्रवाई करने का काम करें नीतीश कुमार जी। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ तरीका जो अपनाया नीतीश कुमार जी ने दबाने का, गवाहों को मिटाने का, सबूतों को नष्ट करने का, और अपराधियों और अपने करीबियों को बचाने का, आई एम 100% श्योर कि सेम और सिमिलर चीज़ें जो है, सृजन जो घोटाला है, जो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, उसमें भी CBI अधिकारी बदला जाता है, और बदलने के बाद जैसे बदला जाता है उसी दिन रात में जो मनोरमा देवी मेन अक्यूज थी उसके घर से दस्तावेज की चोरी होती है, सेम तरीका। लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कुछ उन बच्चियों के बारे में सोचना चाहिए। वो बच्चियां बेसहारा थी, अनाथ थी, कोई 8 साल की थी, कोई 7 साल की थी, कोई 14 साल की थी, कोई 15 साल की थी। उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया गया, जिस प्रकार से उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, गलत काम किया गया, हम सब लोगों को शर्म आता है कि इस प्रकार की घटना बिहार में हुई, और बिहार का मुख्यमंत्री जो गांधी जी की बात करता हो, नैतिकता की बात करता हो, अंतरात्मा की बात करता हो, उसने पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। दिस इज़ वेरी शेमफुल। और सिर्फ बिहार को ही बदनाम नहीं किया बल्कि पूरे देश को वर्ल्ड वाइड बदनाम करने का काम किया है। तो इस प्रकार के, जिस प्रकार का शासन नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, हम लोग बस इतना चाहते हैं, आप लोगों से, मीडिया कर्मियों से इतनी अपेक्षा रखते हैं कि सही में आप लोग जो है जनता की आवाज़ है, आप लोग हर एक चीज़ के लिए खड़े रहते हो, लड़ाई लड़ते हो। हम चाहेंगे कि उन मासूम बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए आप लोग जो है सच्ची खबर को दिखाइए, और जिन्होंने ये घिनौना पाप करने का काम किया है आप लोग वैसे लोगों को उजागर करने का काम कीजिए,